हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों, हम लॉज ऑफ मोशन में अपना 9th वीडियो लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको आज स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकालिए और शुरू हो जाते हैं। आज हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में जानते हैं, हुक्स लॉ थोड़ा सा जानेंगे, हुक्स लॉ क्या है, हुक्स ने क्या कहा था चीज़ों को, और हम कुछ प्रॉब्लम भी आज स्प्रिंग पे देखेंगे, तो बड़ा मज़े आने वाला है। तो कॉपी पेन निकालिए, शुरू करते हैं। चलो भाई, आज हम क्या देखने जा रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझते हैं क्या चीज़। ध्यान से बच्चों, हम लोगों ने एक स्प्रिंग ली, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग ऐसे स्पाइरल ऐसे होती है। अब ये एक अपने नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने स्प्रिंग बनाया, मैंने इसको बिल्कुल मतलब नहीं खींचा ना ही दबाया, अपने बिल्कुल मीन पोजीशन पे नेचुरल लेंथ पे, ठीक। इसकी नेचुरल लेंथ क्या है, इस चीज़ को फील करिएगा। अभी एक तरीके से बिल्कुल ऐसे समझो कि अभी ये कोई खींची या दबी नहीं है, ठीक। चलो देखते हैं आगे। अब हमने क्या किया, हम इसके दोनों एंड से फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करने लगे। इसको हमने क्या किया, इसकी नेचुरल लेंथ से मतलब मीन पोजीशन से हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया एक दोनों तरफ के एंड से एक फोर्स लगा के, ठीक है भाई। जब हमने इसमें एक चीज़ ये देखी, देखो इस चीज़ को फील करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हमने स्प्रिंग को खींचा, आपको दिखा होगा एक अपने हाथों, जैसे मान लीजिए दोनों एंड से मैंने स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा हूँ, तो दोनों एंड पे एक चीज़ का एहसास हो रहा होगा कि कोई एक फोर्स है जो अंदर की ओर लग रहा है, उस स्प्रिंग को फिर अपनी नेचुरल लेंथ की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? रबर ले लो, रबर जिससे बांधते नहीं मिठाई डिब्बों में लगी रहती, ऐसे रबर को आप खींचो और जैसे ही हल्का सा हाथ अपना ढीला करो तो रबर किधर की ओर आना चाहती है, वापस आना। इसका मतलब है कि जिधर आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, किसमें, रबर में। ऐसा हो रहा है, उसी तरीके तो स्प्रिंग में भी होता है, ठीक है। तो हमने एक चीज़, ये चीज़ तो बिल्कुल महसूस कर ली कि भाई अगर स्ट्रेच हो रही है स्ट्रिंग, सपोज करो स्ट्रेचिंग हो रही है, तो स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट हो रहा है, स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको हम स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे भाई, स्प्रिंग फोर्स। और ये हम क्या लगा रहे थे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, ठीक। अब ध्यान से समझो, अब अगर हम हुक्स के बारे में बात करें, नाम सुना होगा। और बच्चों एक चीज ये याद रखना, हम लोग जो स्प्रिंग ये पढ़ रहे हैं ना, ये कैसी स्प्रिंग होती है, कोई मास इसका नहीं होता, मासलेस होती है, ठीक। तो अगर हुक्स लॉ की बात करें तो हमने एक चीज यहां पे ये चीज महसूस करी कि जैसे जैसे हम फोर्स, जैसे जैसे अगर हम देखें एलोंगेशन या स्ट्रेच करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे स्प्रिंग में क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ता चला जा रहा है। भाई हल्का से खींचो, कुछ एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा तेज खींचो, ज़्यादा डिस्प्लेस करो, तो एक फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब जो स्ट्रेच आपने किया है, और यहाँ एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा लेते हैं के, ठीक। इसके को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। यही क्या है, हुक्स लॉ है। और एक्स क्या है आपका, एलोंगेशन कह सकते हो भाई, डिफॉर्मेशन कह सकते हो भाई, डिफॉर्म भी तो ही, ठीक है, इस और भी चीज़ कंप्रेशन भी कह सकते हैं भाई, कंप्रेस भी करते हैं भाई, कंप्रेशन कह सकते हैं, स्ट्रेच भी कर रहे हो, ये भी कह सकते हो, क्या कर रहे हो, स्ट्रेच भी कर रहे हो, है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है, जैसे हम लोग स्ट्रिंग पढ़ते थे, स्ट्रिंग एक रस्सी अगर देखा होता, रस्सी में हम लोग टेंशन लगा के खूब क्वेश्चन करें, करें कि नहीं, तो जिधर एक्सटर्नल फोर्स लगता था उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन आ जाता था, उसी तरीके स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है एज अ टेंशन ही समझो, स्प्रिंग में ही जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, के एक्स कहते हैं। के क्या होता है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट होती है, सभी भाई एक तरीके से मटेरियल के बारे में भी बात होती कि जो भी स्प्रिंग होगी सबका अपना स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हुक्स लॉ बच्चों इलास्टिसिटी में भी इसकी डिटेलिंग आप जानेंगे फिलहाल, मगर अभी जितना काम है उतनी देख लेते हैं हम लोग। चलो अब एक चीज ये समझो ध्यान से,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आया, के एक्स आया। समझते हैं। अब देखो ये स्प्रिंग था ना। अब स्प्रिंग को आप मान लो यहां से एक वॉल से फिक्स कर दे, स्प्रिंग को आपने एक्स लेंथ एलोंगेट कर दिया। सपोज करें हमने एक्स लेंथ क्या किया, एलोंगेट किया, किधर की ओर किया, एलोंगेशन हमारा किधर था, उस तरफ, और फोर्स किधर लग रहा था, इधर। अगर इसके डायरेक्शन सेंस पे आए तो हमारा जो फोर्स है वो किधर की ओर है, इधर की ओर है, और एलोंगेशन किधर की ओर है, वो तो उधर है। तो अगर हम देखें दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम अगर डायरेक्शन सेंस में लिखें तो क्या लिख लेंगे, माइनस के, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, एक रिमार्क देखिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए रिमार्क देखते हैं। तो अगर कन्वेंशन हटाते हैं, f इज इक्वल टू क्या होगा, के एक्स होगा। अगर हम k की यूनिट के बारे में और डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, k की यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो k की यूनिट हमें निकालनी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती, x की मीटर होती, इसको नीचे कर लो, तो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, तो k की यूनिट पता चल गई। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डायमेंशन, तो k इज इक्वल टू एफ बाई क्या होगा, x होगा। फोर्स कितना है, एमएलटी माइनस टू होता है, और नीचे कितना, l है, l से l कट गया, तो इसका डायमेंशन भी आ गया एमटी माइनस टू। इतना नोट कर लीजिए जरा। चलिए आगे चलते, अगला रिमार्क लिखिए, ध्यान से समझते जाइए, करते जाइए, ठीक, ध्यान समझिए। सपोज करो एक स्प्रिंग है, ठीक, एक स्प्रिंग, इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हम। ये एक्सपीरियंस करते हैं कि मान लो ये कितना, इधर से कितना डिस्प्लेस, इधर से कितना स्प्रिंग को खींच रहे, एक्स वन। इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स और लगा रहे हैं, मान लेते हैं इधर से हमने स्प्रिंग को कितना खींचा, एक्स टू खींचा। ऐसे बना लीजिएगा जरा, दिख रहा है, महसूस करिए, क्या दिख रहा है कि भाई दो स्प्रिंग है, दोनों तरफ से हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक तरफ से एक्स वन खींचा, एक तरफ से एक्स टू खींचा, ठीक। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कितना है, के। हमको बताना है कि स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट होगा, कितना रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, ठीक। चलो भाई देखते हैं, बना लीजिए, सोचिए जरा कितना आएगा लगभग। तो देखो एक चीज गलती कभी मत करना, ये जो एक्स होता है ना, ये एक्स होता है ना, ये एक तरीके से इसको ये कह सकते हो, टोटल एलोंगेशन भी कह सकते हो, ठीक। स्प्रिंग टोटल उसकी लेंथ में, नेचुरल लेंथ के बजाय अगर देखा जाए, तो उसकी स्प्रिंग में कितना टोटल लेंथ में चेंज आया, वो एक्स होता है, ये चीज याद रखना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, कि उनको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट के, उनको पता है कि सर ने तो अभी के एक्स बताया, तो इधर लिख देंगे के एक्स वन, इधर लिख देंगे के एक्स टू, ऐसा होगा, ठीक। तो इतनी चीज याद रखना कि जो एक्स वहां लिखा है वो नेचुरल लेंथ एल है, उसके बाद जितना भी हमने उसको एलोंगेट किया इधर से कितना एलोंगेशन हुआ, x1 प्लस x2, वो x की वैल्यू है। तो अगर हम देखें तो एलोंगेशन कितना हुआ, x1 प्लस x2, तो स्प्रिंग में जो फोर्स आया, sp लिख देते हैं, स्प्रिंग में जो फोर्स आया वो कितना आया, कि x1 प्लस x2। समझ गए, इतना लिख लीजिएगा। चलो ये तो हम खींच रहे थे, अगर हम कंप्रेस करते या कुछ और दूसरी तरीके से करते, देखो दूसरा एक कुछ केस बना लेते हैं अपने तरफ से। मान लो इधर से हम स्प्रिंग को खींचते x1, ठीक, x1 लेंथ, मतलब फील करिएगा कि हम x1 लेंथ खींच रहे, और इधर से स्प्रिंग को दबाए जाते, इधर से स्प्रिंग को क्या करते, दबाते। अब बताइए स्प्रिंग में कितना फोर्स आता। अब एक चीज ये महसूस करो, मान लो ये दोनों लेंथ अगर सेम होती, ये दोनों लेंथ अगर सेम होती,
तो देखो जब दोनों लेंथ अगर सेम होती तो इधर से तो हम खींच रहे हैं, इधर से हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जितना हम स्प्रिंग को इधर से खींच रहे हैं उधर से इतना ही कंप्रेस करते जा रहे हैं। तो नेट अगर देखो, नेट अगर लेंथ में कोई चेंज आएगा, जीरो चेंज आएगा। भाई देखो स्प्रिंग को हम इधर से खींच रहे हैं और इधर से दबाए चले जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो एक्स में कहाँ कोई चेंज आया, फील करो भाई, इसको हम खींचे, मान लो ये स्प्रिंग ही होती, इसको हम एक्स लेंथ खींच लेते और इधर से एक्स लेंथ दबा देते, तो कोई एलोंगेशन हुआ, तब तो भाई कोई एलोंगेशन नहीं होगा। मान लेते हैं ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, खींच ज़्यादा रहे हैं, दबा कम रहे हैं। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, के एक्स। एक्स क्या है, एक तरीके से समझो कि स्प्रिंग में कितना चेंज आया लेंथ में, मतलब कितना अगर देखो तो कितना चेंज आया, ये चीज़ें लिखनी है। तो हम भाई एक्स वन खींच रहे, बहुत ज़्यादा खींच रहे, दबा कम रहे, तो लेंथ में कितने का चेंज आएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू। मान लो 2 मीटर खींच रहे होते, 1 मीटर दबा रहे होते, तो कितना स्प्रिंग एलोंगेट होती, सोच के देखो, तो कितना हो जाती, एक्स वन माइनस एक्स टू, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इतनी चीज समझ गए सब लोग, आ गया तो लिख दीजिए कमेंट में कि हाँ सर आ गया अच्छे से, अब इतना चीज समझ गए। अब ये फोर्स आपने देखा बच्चों, ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स होगा मतलब स्ट्रेचिंग अगर होगी तो स्प्रिंग में फोर्स होगा, अगर स्ट्रेचिंग नहीं है तो स्प्रिंग में फोर्स नहीं है। ठीक, चलो देखो इतनी चीज हम समझे भाई, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन पर सपोज करो ये स्प्रिंग है और एक मास हम लटका लेते हैं, मान लो कितने किलोग्राम का, 5 kg का स्प्रिंग का। क्वेश्चन थोड़ा सा फील अगर आप करके करो ना तो हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से हो जाता है, आसानी से भी हो जाता है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन दी है, इक्विलिब्रियम का मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपका जो एक्सेलरेशन पार्ट है वो 0 है। भाई देखो इस चीज़ को समझो, हमने मान लो कहीं स्प्रिंग ऐसे रखी थी, कहीं भी मान लो मेज पर ऐसे रखी थी सपोज करो, तो अपने नेचुरल लेंथ पे, क्योंकि उस पर तो कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगाया हमने, उस स्प्रिंग को हमने ऐसे पकड़ लिया, ठीक, ऐसे पकड़े हैं, सिंपली ऐसे पकड़े हैं स्प्रिंग मासलेस है, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे बनी रही। जैसे ही हमने 5 kg का मास अटैच किया, जैसे ही अटैच किया तो आप देखो कि स्प्रिंग एलोंगेट होगी, होगी कि नहीं होगी, अब एलोंगेशन हो गया, एक जगह आके स्प्रिंग ऐसे लटक जाएगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब आप देखो कि स्प्रिंग बिल्कुल ऐसे सिस्टम बना हुआ है, मगर अपने नेचुरल लेंथ से तो एलोंगेट हुई ना 5 kg को लटकाने की वजह से। अब देखो ऐसा है, अब स्प्रिंग में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम है तो आपको मैंने इक्विलिब्रियम पे एक पूरा वीडियो ही बनाया था, आमना इज इक्वल टू सामना, ठीक। अब इधर क्या लटकेगा, 5G लटकेगा कि नहीं लटकेगा, और स्प्रिंग में फोर्स क्या लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग इधर एलोंगेट हो रही है तो फोर्स स्प्रिंग में ऊपर की ओर, इक्विलिब्रियम है तो आमने सामने क्या हो जाएगा, बराबर। मान लीजिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था, एलोंगेशन लिख लीजिएगा, मतलब एक तरीके से एक्स की वैल्यू पूछा और के मैं दे देता हूँ मान लीजिए 100 N/m। तो भाई इक्विलिब्रियम है तो आमने सामने के फोर्स बराबर हो जाएंगे, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 5G/k आ जाएगी, के आ जाएगी, और 5G मतलब 10, के की वैल्यू कितनी दी, 100 दी, 0 कट गया, 5/10 हो जाएगा, चाहे तो इसको क्या लिख लो भाई, 1/2 m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा, अच्छे समझ में आए, नोट करिए। चलो भाई कुछ रखा नहीं है इसमें फिलहाल, समझना है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। कई प्रॉब्लम लगाएंगे आज स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग को आप थोड़ा सा जब आप SHM पढ़ोगे ना तो वहाँ भी स्प्रिंग का किस्सा आता है, तो एक बार फिर से वहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, सपोज करो ये दिया है, मास हम कुछ दे रहे हैं मान लो 5 kg और 2 kg का, ठीक, बना लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन में ये बोलना है
जो पुली है या ब्लॉक भी कह सकते हो, मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किससे मूव कर रही? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। आपको ए बताना है, एलोंगेशन बताना है, टेंशन बताना है, तीन चीज बतानी है, नोट करिए जरा। ठीक, चलो बनाओ भाई। ब्लॉक किससे मूव कर रहे हैं? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो जब हम 5 kg का ब्लॉक इस पे लटकाए होंगे तो आपको क्या लगा होगा भाई? स्प्रिंग ऐसे 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 कर रही होगी? नहीं भाई, जैसे ही लटकाया हमने वो एलोंगेट हो गई जितना एलोंगेट होनी थी। अब तो वो खिंची रस्सी हो गई ना एक तरीके से, बोलो हुई कि नहीं हुई? और एक्सेलरेशन में तो कोई चेंज हम ला नहीं रहे कि वो बार बार ऐसे ऐसे करेगी, मतलब कंप्रेस होगी, स्ट्रेच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी ऐसा समझो ना यार, 2 kg का है, रस्सी से बांध दिया स्ट्रिंग, और स्प्रिंग उसमें 5 kg लटका दिया, तो स्प्रिंग ऐसे खिंच गई। अब ये किस तरीके बिहेव कर रही है? एक नॉर्मल रस्सी के तरीके बिहेव कर रही कि नहीं? जितना इलांगेट होना था वो तो इलांगेट हो गई 5 kg की वजह से। अब ये 5 kg नीचे जाएगा तो ये 2 ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। आओ निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालें, एक्सेलरेशन निकालने के लिए थोड़ा सा आप जल्दी करते हैं क्योंकि हम बताए भी आपको खींचना रोकना अपॉन टोटल मास। तो अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन इसका नीचे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर। कौन खींच रहा है? 5g, और रोक कौन रहा है? 2g। ऐसे खींच रहा है और ये रोक रहा है, और टोटल मास कितना? 5 + 2, तो कितना आ जाएगा? 3g/7 m/s². पहली चीज आ गई कि नहीं आ गई? नोट कर लीजिएगा जरा, समझ में आ गया इतना? अब हम निकालेंगे बच्चों ध्यान से, अब हम टेंशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टेंशन। तो अब स्ट्रिंग में अगर हम देखें तो ये 2g और ऊपर लग गया टेंशन। इसका अगर हम FBD बनाएंगे, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो एक्सेलरेशन तो ऊपर की ओर, तो T ऊपर लगेगा और नीचे कितना? 2g। T - 2g = मास * एक्सेलरेशन। तो अगर हम 2g 20 और एक्सेलरेशन अगर रखें 3g/7, बाकी इतना आपको करना आता है, 20 की इधर ले लो, आंसर किस में आ जाएगा? न्यूटन में आ जाएगा कि नहीं? सॉल्व कर लोगे? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं स्प्रिंग में कौन सा फोर्स लग रहा है? kx। स्प्रिंग में कौन सा फोर्स लग रहा है? kx। k की वैल्यू लिख लीजिए, मान लीजिए 100 N/m, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, कैसे कर सकते हैं? देखो ध्यान से यार, एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो हम क्या कर लें? 5g, और जस्ट ऊपर देखो तो टेंशन के तरीके, एक तरीके से कौन सा फोर्स लग रहा है? kx लग रहा है, ऐसा समझो ना। ऐसा FBD बना लो, 5g खींच रहे हैं, ऊपर से कौन रख रहा है? स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग फोर्स kx। नेट फोर्स = कितना? मास * एक्सेलरेशन। तो अगर हम kx की वैल्यू अगर देखेंगे तो 5g - 5a हो जाएगा, और एलोंगेशन निकालना है तो 5g - 5a / k, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू दी है, x निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? सॉल्व करके आंसर लिख दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतनी चीज समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए भाई, आ गया हमको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हम देने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। दिखने में बड़ा है मगर है कुछ नहीं फिलहाल। ठीक, ये दिया है पूरा सिस्टम, बना लीजिए जरा डायग्राम तो बना लीजिए। आपको बताना क्या है? एलोंगेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? के दिया हुआ है। न्यूमेरिक दे रहे थे मान लो 100 N/m, ठीक ऐसा दिया है, चलो बना लो जरा भाई। एलोंगेट तो होगी ना भाई, अगर देखो जैसे मान लो हल्की सी मैंने स्प्रिंग लिया, ऐसे लिया, उसे पुली ऐसे पूरा कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू किया, उसमें स्ट्रिंग ऐसे लगाया, एक दूसरी पुली ली उसमें स्ट्रिंग लगाया, जैसे ही मैंने 2 kg लगाया, खींचा ना ये तो खींचा, जैसे ही ये खींचेगा तो ये पूरा पुली खींची,
ये पुली खींची तो ये इस रस्सी खींची, जो स्ट्रिंग लगी, जब ये स्ट्रिंग खींचेगी तो ये पुली खींचेगी, तो उसमें एलोंगेशन होना है। बना लीजिए जरा पॉज करके ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो, देखते हैं आंसर हो सकता है आ जाए आप ही से आ जाए। एक चीज़ ये याद रखना कि एक रस्सी है तो एक ही टेंशन होगा, ये तो याद रखना, ठीक। ट्राई मारो ज़रा भाई, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। क्या सिस्टम मूवेबल होगा? सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि सिस्टम हर तरफ से बंधा हुआ है, सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर नहीं दिया, अगर मान लो लिख भी दिए तो हम कुछ, मेरी कुछ तो आंख है ना, हम तो देख सकते हैं ना कि भाई अगर ये खींच भी लिए तो ये मूव किधर करना है भाई। ये अगर 2 kg अगर खींचेगा तो ये तो बंधा है ना, तो ये स्ट्रिंग ऊपर घूमेगी नहीं घूमेगी, फंसी हुई है, तो कहाँ से एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्विलिब्रियम हो गया, और इक्विलिब्रियम हो गया तो नेट फोर्स अगर देखे तो जीरो, आमना सामना बराबर हो जाएगा। आप शुरू करते हैं, इधर क्या लगेगा? 2g। स्प्रिंग में टेंशन लगा, मैंने कहा था एक रस्सी है तो इसमें टेंशन टी आएगा, बोलो होगा कि नहीं। अब देखो ये वाली रस्सी 2 रस्सियों से बंधी है, ये वाली रस्सी 2 रस्सियों से बंधी है, तो इसमें टेंशन कितना आया? 2t। और ये पूरी एक ही स्प्रिंग है, स्ट्रिंग है, तो इसमें भी टेंशन कितना होगा? 2t, बोलो होगा कि। अब देखो ध्यान से, अब इतना पोर्शन अगर काट लो, इतना अगर हम देखना चाहें, इतने से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये स्प्रिंग है, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इसमें 2t फोर्स ऊपर की, इसमें 2t फोर्स, और स्प्रिंग में अगर हम देखें, मान लो ये 2t है, इक्वल एंड अपोजिट लगता है, ऐसा कर लो, टेंशन इक्वल एंड अपोजिट होता है, मान लो 2t ऐसे खींच रहे तो उसमें क्या लगेगा? फोर्स की एक्स लगेगा, बोलो सही है कि नहीं भाई। 2t क्या इस भाई, अगर देखेंगे तो ये स्ट्रिंग खींचेगी, ये जैसे ही खींचेगी तो उसमें एलोंगेशन होगा कि नहीं होगा? तो हमने इसको खींचा तो इसमें एलोंगेशन हुआ, स्प्रिंग फोर्स आया kx। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर अगर देखो तो kx फोर्स लग रहा है, और नीचे देखो तो इधर से 2t और इधर से 2t, एक्सेलरेशन जीरो है, आमना इज इक्वल टू सामना बराबर होगा, तो kx इज इक्वल टू 4t हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4t डिवाइडेड बाय k आ गया। अब हम t की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आमना सामना बराबर, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा? 2g, तो t इज इक्वल टू 20 N आएगा कि नहीं आएगा? g की वैल्यू 10 रख दो, अब यहाँ पे 4, g की भाई t की वैल्यू रख दिया 20 और k की वैल्यू 100 रिप्लेस कर दिया, आंसर आ गया मीटर में। एलोंगेशन आ गया कि नहीं? कैलकुलेट करना आता है, ठीक है, लिख लो, अच्छे समझ में आया? चलिए भाई हमको आ गया है, ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हम ये है हमारे पास, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये दिया हुआ है, और उस पे हमने 5 kg का ब्लॉक अटैच कर दिया है, ठीक है, 5 kg का ब्लॉक, ये तो हम करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये, चलो देखो ये 5 kg, अभी यहाँ थोड़ा सा स्प्रिंग को कट आउट करके देखेंगे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे 2 kg अटैच, अब 2 ब्लॉक अटैच कर दिया है, ठीक है, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसको हमने 200 N, 2 स्प्रिंग है ना, तो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होगी, K2 इसको मान लेते हैं 100 N/m। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बोला है बोथ द ब्लॉक, या ये भी लिख सकते हैं बोथ आर, या लिख सकते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम किस में है? सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक। अब फील कुछ आ रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सब खिंचा उचा होगा, आमना सामना बराबर होगा, इतनी बात, ठीक। फाइंड द एलोंगेशन इन स्प्रिंग्स, ठीक, नोट कर लीजिएगा जरा, तो करते हैं हम लोग इसको बढ़िया से। चलो भाई नोट करिए जल्दी से, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पूरा फील करना, ऐसे सोचना, एक स्प्रिंग लिया ऐसे लटका दिया, उसमें 5 kg लटकाया तो खींचा,
फिर 5 किलो में एक स्प्रिंग और लगाया, फिर उसमें 2 लगाया तो वो नीचे वाली स्प्रिंग खींची तो ऊपर वाली भी खींची ही होगी, सीधी सी बात है, समझे कि नहीं। देखो स्प्रिंग वाला लिए हम, उसे 5 किलोग्राम का लटकाए तो ये वाली स्प्रिंग खींच गई। अब यहाँ हम नेचुरलैंड की स्प्रिंग ली, उसमें 2 किलोग्राम रखे तो ये भी खींची, और ये तो खींचे ही खींचेगी, जब इसमें एक इस स्प्रिंग में एक मास और अटैच हुआ तो ये और एलोंगेट होगी कि नहीं। चलिए देखिए, देखा जाए, निकाला जाए, जो फोर्स लग रहे हैं बच्चों वो पहले लिख लो, जो फोर्स लग रहे हैं सबसे पहले अगर हम देखें, चलो इस 2 kg ब्लॉक को देखो, 2 kg ब्लॉक में नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, 2g, ठीक, और ऊपर स्प्रिंग लगी, भाई ये 2g से अगर ये खींचेगा तो स्प्रिंग में खिंचाव होगा कि नहीं होगा, मान लेते हैं kx1 मान लेते हैं, k1x1 मान लेते हैं, भाई इसको अगर हम 2 kg को खींचेंगे तो ये स्प्रिंग खींचेगी कि नहीं खींचेगी, तो खींचेगी तो स्प्रिंग फोर्स आया kx1, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है k1x1, इक्विलिब्रियम में आमने सामने बराबर होंगे, k1x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा, तो एलोंगेशन कितना आया 2g/k1, जी की वैल्यू 10 और k1 अगर देखें तो कितना 200, 0 से 0 कट गया, कितना 2/20 मीटर, काट लो और काटना हो, ठीक है, नोट करिए जरा। अब हम आते हैं 5 किलोग्राम पे, किस पे आते हैं 5 किलोग्राम पे, अब चलो इसको मिटाएं, चलो नोट हो गया होगा। अब आते हैं 5 kg पे, जैसे देखो 5 kg ब्लॉक को हमने बनाया, अब 5 kg का वेट तो नीचे लटकना है, ठीक, अब देखो जैसे ये 2 kg खींचा तो ये स्प्रिंग ऐसे खिंच गई, खींची कि नहीं, और आना किधर चाहेगी, ऊपर की ओर, देखो ये 2g से नीचे खींची तो ये स्प्रिंग खींची, इसमें स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा, ऐसे आएगा, तो kx1 का डायरेक्शन ऊपर, और इस वाली उंगली को देखो तो किधर की ओर, उतना ही फोर्स नीचे की ओर, जैसे टेंशन लगता है ना इक्वल एंड अपोजिट, वैसा ही भाई स्प्रिंग को तुमने खींचा तो स्प्रिंग वापस ऐसे आएगी ना, तो जितने फोर्स है इधर उतना ही फोर्स इधर। चलो तो अगर हम देखें तो 5g नीचे लग रहा है और एक स्प्रिंग अटैच्ड है, तो k1 और x1 नीचे लगेगा, और ऊपर वाली स्प्रिंग में कौन सा फोर्स आ जाएगा, k2x2, क्योंकि ऊपर भी तो एक स्प्रिंग लगी है, हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझो, स्प्रिंग खींची, आना चाहेगी ऊपर, देखो इसको देखो, आना चाहेगी ऊपर, जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, kx1 हो गया, ये 5 हो गया ना, अब ये खींच गई, आना चाहेगी ऊपर, तो इसमें फोर्स k2x2 लगा, तो 5 में तो वेट लगा और एक स्प्रिंग अटैच है, तो kx1 लगा और ये k2x2, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, आमना सामना बराबर कर दो, k2x2 इज इक्वल टू 5g प्लस k1x1, अगर हमें x2 निकालना है तो ये 50 हो जाएगा, k1 की वैल्यू तो भाई अगर हम देखें तो x1 भी हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं ना, ठीक, वहाँ से कैलकुलेट कर लो, आप कर सकते हो भाई, देखो सीधी सी बात है, अब हमको बैक जाना पड़ेगा, अब हमको वैल्यू भी नहीं, या तो हम इसको करें, आप लिखे हो कॉपी में ना, तो क्या करो, k1 की वैल्यू तो मैंने गिवन दी है, x1 इससे पहले वाले टर्म में निकाला है, ठीक, k2 की वैल्यू दिया हुआ है 100, 5g 50 हो जाएगा, तो x2 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, कर सकते हो, लिख लो। चलो नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक ऐसा कुछ, अब हम 3 ब्लॉक लगाने जा रहे हैं, देखो कैसे, सपोज करो M, अब यहां रस्सी भी बांध देते हैं स्ट्रिंग पे, सपोज करो 2M, अब हम स्प्रिंग लगा देते हैं, सपोज करो M, बना लीजिएगा जरा, इतनी चीज बनाइएगा, ठीक, सिस्टम किसमें है अभी, सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन हम ऐसे ही कराते हैं, ठीक, पार्ट वाइज तोड़ तोड़ के क्या क्या चीज उसमें पूछवाना है हम आपको बताते जाएंगे, आप करते जा रहे हैं, ठीक, अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए तो समझ जाओ सारी स्ट्रेचिंग सब हो चुकी है, आओ देखते हैं, ध्यान से समझना, समझो ध्यान से,
एक चीज पहले समझ लो, अब हम यहां कटिंग का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। कट 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 कर सकते हैं किसी को भी, ठीक। अब देखो पूरा फील करना, अच्छे से समझ में आ गया ना तो हो गया, स्प्रिंग आ जाएगा बढ़िया से। देखो अगर हम इसको पकड़े ऐसे, ऐसे पकड़ लिए तो ये खींचेगा ऐसे, और कितने फोर्स से खींचेगा, कौन खींच रहा है, ब्लॉक्स खींच रहे हैं, है कि नहीं, एम टू एम एम ऐसे खींचेगा नीचे, तो किसकी वजह से इसमें एलोंगेशन हुआ, तो आप कहोगे इन तीनों ब्लॉक के वजह से, होगा कि नहीं। कितना एलोंगेशन होगा अगर हम देखें, कि एक्स फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, और ये फोर्स कितना हो जाएगा भाई, नीचे एम जी लगा, टू एम जी लगा, एम जी लगा, नहीं समझे। फिर से ये स्प्रिंग लिया, एम टू एम एम दिख रहा है, तो इसमें एलोंगेशन किसके वजह से, अगर ये ब्लॉक्स नहीं हो, क्योंकि स्प्रिंग तो मासलेस है, उससे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। अगर हम इन दो तीनों को अगर हटा दें तो ये कभी खींचेगी, ऐसे पकड़े रहे ऐसे। अब इसको पकड़, अब ऐसे समझ, स्प्रिंग ये नेचुरल लेंथ की, ऐसे हमने पकड़ा, उसमें एम मास अटैच किया, खींची थोड़ा, ठीक। फिर नीचे एक रस्सी लिया, उसमें टू एम मास किया और खींची, अब एक स्प्रिंग और लगाया, दूसरे एम मास अटैच किया और खींची, तो किसके वजह से खींची, इन तीनों मास के वेट के वजह से, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, तो आप कहोगे सर एम जी टू एम जी प्लस एम जी, कितना हो जाएगा, एम जी टू एम जी थ्री एम जी और कितना, फोर एम जी। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, जो फोर्स लग रहा है वो कितना आ रहा है, फोर एम जी। इतनी चीज समझे कि नहीं। अब चलो, अब हम इसमें आए, इसमें कितना फोर्स लगा, एम जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा और ऊपर कर लें क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में कट तो नहीं रहा होगा, एम जी, और इसमें जो फोर्स आया मान लो कुछ अलग वैल्यूज, या के एक्स लिखे समझते हैं, वहाँ वाला के एक्स अलग, ये के एक्स अलग है। अब ये स्प्रिंग किसके वजह से एलोंगेट होगी, सोचो ये स्प्रिंग ऐसे है भाई, सब अपनी नेचुरल लेंथ में, एम अटैच किया तो एम के वजह से स्ट्रिच होगी कि नहीं, तो अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको देखें तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो तो एम जी ही लगेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एम जी लगेगा, बोलो सही है कि नहीं। अब इस ब्लॉक को देखो, इसमें अपना वेट लटकाया 2mg लटकाएगा, और भाई स्प्रिंग, भाई जैसे टेंशन में इक्वलेंट अपोजिट लगता है kx, वैसे स्प्रिंग में भी क्या होगा, इक्वलेंट अपोजिट लगेगा, बोलो सही है कि नहीं, समझ गए भाई। जैसे क्या था, स्प्रिंग थी, टेंशन लग रहा, तो इक्वलेंट अपोजिट, वैसे स्प्रिंग में भी kx भाई, इधर से अगर खींचेगा तो उधर से भी तो खींचेगा, अब इसमें टेंशन, इक्वल अपोजिट लगा दिया, और नीचे क्या है, mg, ठीक। इतनी चीज सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आगे बना लो जरा इतना डायग्राम, थोड़ा सा ट्राई करिए अपने से, ठीक है, ट्राई करिए, आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, बढ़िया से ट्राई कर लो, एक मिनट ट्राई करो, देखो हो सकता कुछ हो। समझे, इतनी चीज समझे कि नहीं, के एक्स इज इक्वल टू एम जी और उधर 4mg, ठीक। अब चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो बीच वाली रस्सी को कट कर दें, कैंची चला दें, कैंची कहाँ चलाते हैं, हमने कैंची यहाँ चलाया ऐसा चला दिया। अब देखो, अब आप क्या देखोगे पता है, देखो फील करना, जैसे कट किया आप एक चीज महसूस करोगे पता है, ये वाला ब्लॉक धड़ाम से नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, नहीं समझे, खट काटा, ये वाला नीचे की ओर और ये वाला ऊपर की ओर, क्योंकि ये स्प्रिंग एलोंगेट थी, ये किसको ले जाएगी, ऊपर की ओर ब्लॉक को ले जाएगी, और ये तो कट गया, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है भाई, चलो करा जाए भाई, चल तो करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को देखो, इस वाले को, इसमें ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 4mg, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg। देखो जैसे ही हमने स्ट्रिंग को कट किया ना, स्ट्रिंग को जैसे ही कट करोगे टेंशन क्या, खत्म, टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि स्ट्रिंग तो खींच, अब तो रस्सी ले, अब ऐसे रस्सी ऐसे खींची तो इसको काट दो तो अपनी नेचुरल लेंथ पे वो भी आ गए, वो खींचना उसमें खिंचाओ तो खत्म हो गया ना, तो टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म। इतनी बात समझेगी नहीं, 4mg mg ये किधर की ओर जाएगा, ऊपर,
तो 4mg नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कितना हो जाएगा 3mg इज इक्वल टू ma, m से m कटा, a की वैल्यू कितनी आ गई 3g, बोलो सही, और किधर की ओर, ऊपर की ओर, हो गया। आउट 2m को देखते हैं, ये 2m ब्लॉक था, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था 2mg, और एक फोर्स और लग रहा है kx, और ऊपर क्या लग रहा था टेंशन, ये तो जीरो हो गया, टेंशन तो है ही नहीं क्योंकि रस्सी ने कट किया तो नहीं लग रहा है तो काट दो, और इतना तो फील कर सकते हो ना कि बॉडी किधर की ओर जाएगी, नीचे की ओर, और ये जो kx फोर्स लग रहा है वो है कितना एक्चुअली में mg, तो नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है 2mg और mg, तो कितना हो जाएगा 2mg प्लस mg, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना हो जाएगा 3mg इज इक्वल टू 2m, m से m कटा तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3g डिवाइडेड बाई 2, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया, इस ब्लॉक का आ गया, इसको नाम दे दो a, b, c, ये a ब्लॉक था, ये हमारा b ब्लॉक। अब हम c ब्लॉक को देखते हैं, c ब्लॉक का मास ये नीचे mg और ऊपर क्या लग रहा है kx, जिसकी वैल्यू भी कितनी है mg, ठीक, बोलो सही, ये ब्लॉक किधर जाने की कोशिश करेगा, नीचे, नेट फोर्स देखो ना कितना होता है, नेट फोर्स आउट चेक करें, mg, ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है kx, वो भी किसके बराबर है mg, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कितना आ गया mg माइनस mg, अगर देखो तो जीरो हो गया, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना पता चल गया, जीरो, समझ गए, तो इस ब्लॉक का ये कितने से एक्सेलरेशन से ऊपर भागेगा 3g, ये वाला कितने एक्सेलरेशन से नीचे भागेगा 3g बाई 2, और ये वाला कितने एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाएगा, जीरो, मतलब यूनिफॉर्मली जा रहा होगा, ठीक। तो बच्चों समझ में आया आज का लेक्चर स्प्रिंग के बारे में, ठीक, तो जैसा हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ सर बहुत मजा आया, क्योंकि थोड़ा सा कमेंट लिखते हो ना तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।